देखिए तो नीचे आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजर है, ये हमारा लेफ्ट वाला है, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइड में एक राइट वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया था जो हमने स्टेबलाइजर बताया था, यहाँ पे जब आप नीचे की तरह दबाएंगे तो स्टेबलाइजर नीचे लग जाएगा, और उस साइड भी नीचे की तरह दबाएंगे तो स्टेबलाइजर नीचे लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब स्टेबलाइजर हम ऊपर की तरह लगाएंगे तो हमारा जो स्टेबलाइजर रहेगा ऊपर आके यहाँ पे टच हो जाएगा, और उस साइड का जो ऊपर करेंगे तो ऊपर टच हो जाएगा। तो चलिए तो एक बार मैं फिर से ऊपर चढ़ के बता दे रहा हूँ कि स्टेबलाइजर आप किस तरीके से फिर लगाएंगे, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर मैं आ गया हूँ मशीन के ऊपर, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए स्टेबलाइजर मैं दिखाया। स्टेबलाइजर दिखाने के बाद आप यहाँ पे समझ लीजिए फिर कि यहाँ पे नीचे करेंगे तो हमारा नीचे जो होगा स्टेबलाइजर नीचे लगेगा। इस तरीके से आप दबाएंगे स्टेबलाइजर नीचे लगेगा, आप बारी बारी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ऊपर की तरह जब लगाएंगे तो हमारा जो स्टेबलाइजर रहेगा निकल जाएगा। स्टेबलाइजर के बारे में आपने समझ लिया, तो पहले मैं स्टेबलाइजर के बारे में आपको समझा दिया, अब अगली वीडियो में किसी और पार्ट के बारे में समझाऊंगा, जेसीबी के बारे में जो भी आपका पार्ट रहेगा इसमें सभी मैं टोटल बारी बारी भी दिखाऊंगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में इस बूम के बारे में बताया था, और सेकंड वीडियो में जो है आपका इस स्टेबलाइजर के बारे में बता रहा हूँ। स्टेबलाइजर के बारे में आपने सीख लिया स्टेबलाइजर किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।